नमस्कार चौसारनी, आज मैं आपको कश्मीरी तरीके से स्प्रिंग अनियन आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसमें अदरक लहसुन का इस्तेमाल नहीं होगा और ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी होती है। तो इसके लिए मैंने स्प्रिंग अनियन ले लिए हैं और उसको काट लिया है और धो लिया है, और आलूओं को भी धो लिया है और काट लिया है। अब मैं एक हांडी लूँगी जिसमें मैं तेल को गर्म करूँगी और आलूओं को तलूँगी। मैंने हांडी ले ली है और मैं गैस का नॉब ऑन कर देती हूँ और इसे तेल को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। मैंने इसमें तेल 2 बड़ी कटोरी डाली है। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें आलूओं को तलने के लिए डाल देती हूँ। आलू तल गए हैं, मैं इसे निकाल देती हूँ और गैस का नॉब बंद कर देती हूँ। मैंने तेल निकाल लिया है और थोड़ा सा तेल मैंने रख दिया है हमें अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए। इसके अब मैं इसमें ज़ीरा डाल देती हूँ, लौंग, मैं इसमें ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करूँगी, हींग, और साथ ही में मैं इसमें प्याज को डाल देती हूँ और मैं इसे फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। साथ ही में मैं इसमें नमक को डाल देती हूँ। साथ ही में मैं इसमें टमाटर को भी डाल देती हूँ। स्प्रिंग अनियन और टमाटर फ्राई हो गए हैं, अब मैं इसमें मसालों को डाल देती हूँ। हल्दी 1/2 चम्मच के करीब और लाल मिर्च पाउडर 1 भरा हुआ चम्मच और 1/2 चम्मच, और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसे मैं ढक कर 5 से 10 मिनट तक पकने के लिए रख देती हूँ और हम आलूओं को लास्ट में डालेंगे। अगर हम साथ में आलूओं को डालेंगे तो आलू बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है। प्याज और टमाटर पक गए हैं, अब मैं इसमें आलूओं को डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए, बस हमारे स्प्रिंग अनियन आलू और टमाटर की सब्ज़ी कश्मीरी तरीके से रेडी है। अब मैं इसके गैस का नॉब बंद कर देती हूँ और इसे मैं एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। हमारे स्प्रिंग अनियन आलू और टमाटर की सब्ज़ी कश्मीरी तरीके से रेडी है। ये देखिए, लग रही है ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने कमेंट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कश्मीरी तरीके से स्प्रिंग अनियन आलू और टमाटर की सब्ज़ी।